यदि डायरेक्टर नहीं सुधार सकते हैं रिम्स को तो वो पद त्याग दे। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स के निदेशक की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। अदालत रिम्स की बदहाली और नियमों के विपरीत आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों की नियुक्ति मामले की सुनवाई कर रही थी। दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि रिम्स निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं। रिम्स की बदहाली पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिम्स अब नहीं सुधर सकता है, रिम्स की हालत और दिनों दिन बदतर होती जा रही है। इस बीच सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव उपस्थित रहे और उनसे यह कहा गया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का जो नियुक्ति है उस किस प्रावधान के तहत किया जा रहा है और आउटसोर्सिंग से अगर लेने का रिम्स विचार कर रही है तो जब तक नियमित पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक आउटसोर्सिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। और डायरेक्टर पर उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए कहा यदि डायरेक्टर नहीं सुधार सकते हैं रिम्स को तो वो पद त्याग दें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।